क्लास ट्वेल्थ मैथ एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4, सेक ब्रैकेट के अंदर टेन रूट एक्स है का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया है इस फलन का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ सेक और ब्रैकेट में टेन रूट एक्स, ठीक है। तो अब एक्स के सापेक्ष हमें इसका अवकलन करना है, लेकिन ये जो सेक है उसके साथ ये पूरा है, जबकि हम जानते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स का ये होता है सेक एक्स इंटू में टेन एक्स, ये फार्मूला होता है डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, है ना। लेकिन यहाँ जो सेक एक्स है उसके साथ ये पूरा है, तो ये मानक रूप में नहीं है, इसके जैसा नहीं है, इसलिए इसको यहाँ से ढकना पड़ेगा। तो अब ये मानेंगे कि ये सेक एक्स लिखा हुआ है, तो सेक एक्स का अवकलन करते हैं, तो ये होता है सेक एक्स, एक्स की जगह पे वही रहा टैन रूट एक्स, और इंटू में होता है टैन एक्स, तो टैन के साथ भी एक्स वही रहा टैन रूट एक्स, ठीक है। इतना समझ में आया, सेक एक्स का अवकलन कर रहे हैं तो इसको हमने ढका है और मान रहे कि सेक एक्स है, तो सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स, अब एक्स की जगह पे तो यही है, और उसके बाद टैन एक्स, और जिसको ढके हैं उसका अवकलन फिर से करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ टैन रूट एक्स, ठीक। अब यहाँ पे सेक एक्स टैन एक्स ऐसे ही रहा सेक टैन रूट एक्स, और ये टैन टैन रूट एक्स ये ऐसे ही रहा, ठीक है। यहाँ पे फिर से हमें टैन एक्स का अवकलन करना है, तो ये हमें पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स अगर है तो इसका अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ टैन एक्स ना होके टैन रूट एक्स है, यानी ये मानक रूप में नहीं है, तो इसको यहाँ ढकना पड़ेगा। अब ये टैन एक्स लिखा हुआ है, टैन एक्स का अवकलन ये हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स, और जिसको यहाँ ढके हैं उसका अवकलन फिर से कर लो डी बाई डी एक्स ऑफ, अच्छा यहाँ पे एक्स की जगह रूट एक्स रहेगा, है ना, तो जिसको ढके हैं उसका अवकलन फिर से डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। इतना समझ में आया, ये टैन एक्स अगर होता तो इसका अवकलन सेक स्क्वायर एक्स हो जाता, लेकिन यहाँ टैन रूट एक्स है इसलिए इसको ढकना पड़ा, और अब मान रहे हैं कि ये टैन एक्स लिखा हुआ है, तो टैन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स वही रहा जो है, और इसको जिसको ढके हैं उसका अवकलन फिर से कर लो, और अब यहाँ से सेक टैन रूट एक्स ऐसे ही, उसके बाद टैन टैन रूट एक्स, और यहाँ रहा सेक स्क्वायर रूट एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रूट के अंदर है, इसका अवकलन अगर रूट हटाएंगे तो ये 1/2 लिखा हुआ है, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन, तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन क्या होता है, एन आगे आता है एक्स की पावर में एन माइनस वन होता है, तो ऐसे यहाँ 1/2 आगे आएगा, और एक्स की पावर में 1/2 से 1 माइनस कराएंगे, ठीक ना, और इस 1/2 को आगे लिख लेते हैं, तो 1/2, और साथ में देखो ये जो एक्स की पावर में 1/2 माइनस वन है, तो 1/2 से अगर माइनस वन कराएंगे तो माइनस का 1/2 आएगा, और इसको नीचे लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2 प्लस का, और इसी को हम रूट के अंदर कर देते हैं, तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं 1/√x, तो ये भी यहाँ लिख देते हैं √x, और बाकी सब वैसे रहा sec tan रूट एक्स, उसके बाद tan टैन रूट एक्स, और ये सेक स्क्वायर रूट एक्स, ये पूरा इसका आंसर है।